हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरविंदर सिंह वसीर, आपका पॉजिटिव है और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इस हफ्ते का राशिफल कैसा बीतेगा। आपका ये हफ्ता, क्या ये हफ्ते में कोई अड़चनें या रुकावटें हैं, और अगर ऐसे कोई रुकावटें हैं तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उसे दूर करने के लिए क्या उपाय करने हैं, आज मैं आपको मेरे ये क्रिस्टल बॉल से बताऊँगा सर। तो शुरू करते हैं आज की पहली राशि के साथ, जो कि है मेष। तो मेष, देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मेष राशि वालों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी को रुके हुए हो, आपका बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो वो बहुत जल्दी प्रॉपर चलेगा। तो उसके लिए आपको करना इतना है कि आपको थर्सडे को एक ऐसी गोल्डन कलर की कैंडल जलानी है, अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस में या अपने घर में भी जला सकते हैं। ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। चलते हैं आज की दूसरी राशि की तरफ, जो कि वृषभ। वृषभ, देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। वृषभ वालों के लिए ये हफ्ता कुछ ज़्यादा अच्छा है, नहीं है। अब ये हफ्ते में आपके हाथ से आपकी जॉब जाने का बहुत चांसेस है, या आपके कोई बड़े ऑर्डर्स जो आपको मिले वो जाने का बहुत चांसेस है। ये हफ्ते में पैसे की हानि ज़रूर हो सकती है, तो जितना हो सके ये हफ्ते में पैसे की हानि या फिजूल खर्ची से ज़रूर बचिए, क्योंकि ये हफ्ते में जो पैसा जाएगा वो वापस नहीं आएगा। ये हफ्ते में जितना हो सके कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ये भी तो आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको ऐसे फेंग शुई कॉइन कहते हैं, या चाइनीज कॉइन कहते हैं, या इसको लकी कॉइन सेट भी कहते हैं। आपको ऐसे लकी कॉइन सेट लाने हैं, चार्ज अभिमंत्रित लकी कॉइन सेट आपको अपने तिजोरी में रखने हैं। ये जरूर आपकी फिजूल खर्ची और पैसे का जो नुकसान है उससे आपको जरूर बचाना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। चलते हैं आज की तीसरी राशि की तरफ, जो कि मिथुन। मिथुन, देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मिथुन, ये हफ्ता आपका बहुत झगड़े से भरा हुआ दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा घरेलू झगड़े दिख रहे हैं। आपके घर में छोटी मोटी नोकझोंक चालू है काफ़ी टाइम से, जो एक बड़ा झगड़े का रूप ले सकता है। तो जितना हो सकता है ये घर के झगड़ों से दूर रहिए, और घर के झगड़ों को बढ़ाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, उसका जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देना चाहूँगा। आपको एक रोज क्वार्ट्ज नाम का क्रिस्टल लेना है, ऐसे पिंक कलर का एक क्रिस्टल आता है, आपको रोज क्वार्ट्ज नाम का एक क्रिस्टल लेना है, और आपको घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है। तो इससे जो भी घर में झगड़े वगैरह होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज की चौथी राशि की तरफ, जो कि एक कर कर देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। सर, आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। ये हफ्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा मुझे पैसे का लाभ होता हुआ दिखा रहा है, और जो बहुत समय से पैसा अगर आपका अटका हुआ है वो भी बहुत जल्दी रिकवर होने का दिखा रहा है। तो ये हफ्ता जितना देखा जाए तो खुशियाँ और अपॉर्चुनिटी का होगा। वैसे आपको कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, बस मगर मैं आपको एक रेमेडी देना चाहूँगा कि जितना भी अगर आपके पास ये हफ्ते में पैसा आए या कभी भी आए, उसमें से थोड़ा 10%, 5% या 2% जितना भी आप कर सको उतना डोनेट करो, दान करो। दान करने से कभी धन कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। तो वो करो, उससे आपका धन और बढ़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलते हैं आज की पांचवी राशि की तरफ, जो कि है सिंह। सिंह, देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। सिंह राशि वालों, ये हफ्ते आपको थोड़ा बच के रहना। क्यों? क्योंकि ये हफ्ते में मुझे आप लोगों के ऊपर नज़र या ऊपरी हवा का हाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर नज़र है वगैरह, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? सबसे पहले तो ये हफ्ते आप एक टर्मरीन नाम का एक क्रिस्टल अपने साथ कैरी कीजिए। ये आप पेंडेंट फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसे रफ फॉर्म में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये आपको हर बुरी नज़र और ऊपरी हवा से बचाएगा। और एक और उपाय बताऊंगा कि आप अपने घर में काली रंग की कलर, ब्लैक कलर की कैंडल 7 दिन रोज जलाइए शाम को, जिस
जिसकी वजह से कोई भी बुरी नजर हो या ऊपरी हवाएं वो सब वहीं पर खत्म हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। छठी राशि की तरफ जो कि एक कन्या, कन्या के क्या कहते हैं आपके सितारे? कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता ठीक ठाक गुजरेगा। कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम है कि जितना हो सके ये हफ्ते में आप अपने प्रेमी या अपने हस्बैंड को, अपने पति को थोड़ा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से थोड़े मन मोटाव होते हुए दिखा रहे हैं मुझे आपके रिलेशन में, तो वो मन मोटाव दूर करने की कोशिश कीजिए। ये हफ्ते में जितना हो सके झगड़े वगैरह को दूर रखिए और जितना हो सके प्यार बांटिए अपने पति या प्रेमी के साथ, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको एक स्पेल ऑयल लेना, ये एक अभय मंत्र इतर बोल सकते हो, एक स्पेल ऑयल बोल सकते हो, इसे हम लोग लव ऑयल बोलते हैं। ये ऑयल आपको लेके अपने दोनों हथेली के यहाँ पर और अपने कान के पीछे लगाना, इससे आपका रिलेशन एक बहुत ही अच्छा रहेगा और एक दूसरे के मन में बहुत ही अच्छे विचार आएंगे। इसे जरूर अपनाइए, ये आपको जरूर लाभ देगा। मेरी शुक्रिया। आज की सातवीं राशि की तरफ जो कि है तुला, तो तुला देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हफ्ते में जितना हो सके जॉब ढूंढने की कोशिश कीजिए जिनके पास जॉब नहीं है, या अगर फाइनेंशियली इश्यू चालू है तो आपका कोई फाइनेंस वगैरह ये हफ्ते में बहुत अच्छा होता हुआ दिखा रहा है, मगर आपको उसके लिए उतने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताऊँगा। एक्चुअली दो रेमेडी बताऊँगा आपको क्या करना है। पहली रेमेडी ये है, आपको एक ऐसा पेन पेकर अपने साथ कैरी करना है। आप ये पेंडेंट फॉर्म में भी धारण कर सकते हैं, आपको बहुत लाभदायक होगा। और दूसरा आपको क्या करना है, एक स्फटिक का क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का श्री यंत्र, छोटा सा श्री यंत्र लाना है और उसको अपनी तिजोरी में स्थापना करना है, नीचे लाल कपड़ा बिछा, तो ये आपको बहुत ही लाभ देगा और बहुत ही धन की प्राप्ति भी देगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहते हैं। आज की आठवीं राशि की तरफ जो कि वृश्चिक, क्या कहते हैं आपके सितारे? वृश्चिक राशि वालों के लिए दो न्यूज़ है। एक ये है कि इस हफ्ते रिलेशंस टूटने के चांसेस बहुत हैं। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, तो कोई भी रिलेशन टूटने का चांस है, तो जितना हो सकता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, रिलेशंस की वैल्यू समझिए। और दूसरा आपका ये है कि आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने का चांस है। वो गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, मतलब वो ऐसी गुड न्यूज़ रहेगी कि वो आप सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ में। तो चलते आपकी रेमेडी की तरफ, आपको क्या करना है, आपको एक पिंक कलर की कैंडल जलानी है 7 दिन के, और अपने साथ रोज एक गुलाब कैरी करना 7 दिन के, ये जरूर आपको हेल्प करेगा। मैं गॉड ब्लेस। चलते हैं आज की नौवीं राशि की तरफ जो कि धनु, धनु क्या कहते हैं आपके सितारे? धनु राशि के लिए मुझे ये हफ्ता बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो अगर आप कोई बिजनेस चालू करने का सोच रहे हो तो ये हफ्ते में कीजिए। ये हफ्ता आपको बहुत लाभदायक रहेगा, आपके बहुत लाभ है। और दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में पितृ दोष है तो उसका निवारण कीजिए जरूर, तो वो आपके आड़े आ सकता है। और बात करते हैं रेमेडी की, आपको क्या करना है, आपको ऐसी 3 कौड़ियाँ लेनी है, जैसे कौड़ी शेल्स बोलते हैं कौड़ी, और इसके ऊपर आपको हल्दी का लेप करना है 3 कौड़ियों के ऊपर, और आपको वो 3 कौड़ियाँ हल्दी के लेप में की हुई
उसको एक पीले कपड़े में बांधना, एक पोटली बनाना है छोटा सा, और आपका जो बिजनेस का स्थान है, जो आपकी दुकान रहेगी या ऑफिस होगा, आपको वो एंट्रेंस के अंदर वाले बाजू ऊपर टांग दे, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है और पैसा लाएगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। शुभकामना आपके साथ। चलते हैं आज की 10वीं राशि की तरफ, जो कि है मकर। तो मकर क्या कहते हैं आपके सितारे? मकर वालों के लिए ये हफ्ता एकदम साधारण सा हफ्ता होगा, ना ही बहुत कुछ अच्छा आएगा ना ही बहुत कुछ बुरा है, जैसा एक स्टेबल लाइफ से वो जो आपका डेली रूटीन है मुझे वही चलता हुआ दिखा रहा है। ये हफ्ते में आपको कोई स्पेशल कुछ नहीं है, ना ही कुछ बेकार है, सब अच्छा है आपके लिए, जो नॉर्मल है स्टेबल वैसा ही चल रहा है। मगर फिर भी मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगा जो आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और वाइट एनर्जी को बुलाए। आपको क्या करना है, एक स्फटिक नाम का क्रिस्टल कैरी करना, जिसे हम इंग्लिश में क्लियर क्वार्ट्ज़ बोलते हैं और इंडियन स्फटिक बोलते हैं। आप कोई भी फॉर्म में कैरी कर सकते हैं, आप कोई पत्थर के फॉर्म में कैरी कर सकते हैं, आप स्फटिक की माला पहन सकते हैं इसे। ये जितना हो सके आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी को फैला रहे, जिसकी वजह से ये हफ्ता और अच्छा जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आज की 11वीं राशि की तरफ, जो कि कुंभ। कुंभ कैसा बीतेगा आपका ये हफ्ता? कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता इतना खास नहीं है। ये हफ्ते में मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज, देह रोग दिखा रहे हैं, और ये ज़्यादातर रिलेटेड होंगे आपके हार्ट से और आपके किडनी से। तो जितना हो सके अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए, डेली रूटीन चेकअप के लिए जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिससे कि आप चुस्त और दुरुस्त रहें। बट एक बार मैं रेमेडी आपको दूंगा, आपको एक ग्रीन क्लोराइड नाम का क्रिस्टल, ग्रीन क्लोराइड अपने साथ कैरी करना, वो आपको आपके हेल्थ इश्यूज से बहुत जल्दी रिकवर होने में हेल्प करेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। चलते हैं आज की 12वीं और आखिरी राशि की तरफ, जो कि मीन। तो मीन क्या कहते हैं आपके सितारे? तो इस हफ्ते का जो मीन राशि का प्रेडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अपने फर्दर एजुकेशन की तरफ प्रेफर कर रहे हैं या उनके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मुझे फर्दर एजुकेशन दिखा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ। आपको एक एमेथिस्ट नाम का क्रिस्टल, आप ऐसे क्लस्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इसको अपने स्टडी टेबल पर रखिए, और एक एमेथिस्ट नाम का पेंडेंट आपको धारण कर लो, ये आपको आपकी स्टडीज में जरूर हेल्प करेगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो चलते हैं आज की 12वीं और आखिरी राशि की तरफ, जो कि मीन। तो मीन देखते हैं कैसा बीतेगा आपका यहाँ। मीन राशि वालों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी आगे की पढ़ाई की तरफ चलिए, फर्दर एजुकेशन कीजिए, जो आप सबके लिए बहुत लाभदायक है। और दूसरा ये दिख रहा है कि कोई ट्रेजेडी, कोई डिजास्टर होने का चांस है, तो जितना हो सके हानिकारक चीज़ों से और हानिकारक सिचुएशन से दूर रहिए, बच के रहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको मैं एक रेमेडी दूंगा कि आपको एमेथिस्ट नाम का क्रिस्टल अपने साथ कैरी करना है, वो पेंडेंट फॉर्म में धारण कीजिए, वो ज़रूर आपको मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इस हफ्ते का एंजेलिक गाइडेंस क्या है, हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो हायर सेल्फ, वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस हफ्ते में, तो वो मैं आपको बताऊंगा ऑरेकल कार्ड से। तो एंजल्स ये बता रहे हैं कि ये हफ्ता टाइम में कुछ नया करने का, कुछ न्यू चीज़ें करने का, तो जितना हो सके कोई नई चीज़ें अपने अपनी ज़िंदगी में, नए तौर तरीके अपने अपनी ज़िंदगी में, एज वेल एज ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपने अधूरी छोड़ी है तो उसे कंप्लीट कीजिए, और आप अपने अपने आप को थोड़ा पैम्पर कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए सबसे पहले,
क्योंकि अगर आप अपने आप को प्यार कर सकोगे तो ही आप दूसरों को प्यार कर सकोगे, जब आप में प्यार रहेगा तो ही आप प्यार बांट सकोगे, इससे जो भी आपके पुराने घाव है वो सब हील हो जाए। तो ये है आज का एंजेलिक मैसेज। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने जो भी उपाय बताए हैं आपको, और उन उपाय में जो प्रोडक्ट्स या जो चीज़ें यूज़ होती है अगर वो आपको कहीं से प्राप्त नहीं होती है तो आप उसके लिए हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है vasirgurvinders@gmail.com, या तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं 8767994004 में। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कैंडल्स, क्रिस्टल्स, ऑयल्स, हर्ब्स, वो सब चीज़ें हमारे पास हैं।